जय हिंद, नमस्कार मेरे शेयर ट्रेडर, स्वागत आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का वीडियो स्पेशली कई ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने अभी आंसर की देखी एसएससी जीडी की, उनका कहना यह है कि सर हमने क्वेश्चन अटेंड तो किए थे लेकिन वो इसमें शो ही नहीं हो रहे। कुछ बच्चे बोल रहे सर हमने मार्क को रिव्यू कर रहे थे, उनके नंबर काउंट नहीं हो रहे हैं। आपके भी ऐसी कुछ समस्याएं आ रही होगी कि आपने, आपको लगता है कि आपने क्वेश्चन अटेंड किया था या मार्क फॉर रिव्यू किया था, उसका आपका नंबर काउंट नहीं हुआ है, या अब आप जब आंसर की देख रहे हैं तो उसमें वो आंसर शो ही नहीं हो रहा, वो क्वेश्चन बिल्कुल खाली शो हो रहा है। ऐसा कई बच्चों के साथ हो रहा है, क्योंकि पिछला जो मैंने वीडियो बनाया था गूगल फॉर्म वाला कि आपके कितने नंबर आया, गूगल फॉर्म भरिए। अगर आपने भी अभी तक नहीं भरे तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं, उस वीडियो के नीचे गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, तो उस पर जाके आप वीडियो देख लीजिए और डिटेल में, और उसके बाद में आप भी वो फॉर्म भर दीजिए ताकि आपको पता चल सके कि आपकी कट ऑफ इस बार कितनी रहने वाली है। तो ये आपके में से कई बच्चों के साथ में समस्या आ रही है। नीचे दिए गए जो हमारे हेल्पलाइन है उस पर लगातार इससे संबंधित कॉल भी आ रहे हैं कि सर हमारे नंबर काउंट नहीं हुए, अब हम क्या करें, इसके लिए क्या कोई हम आपत्ति दर्ज करा सकते हैं, क्या ये आपत्ति से इसका कुछ निपटारा हो सकता है। देखो कौन से जो क्वेश्चन है जो अटेंड किए आपने और वो आपके काउंट नहीं हुए, वो है मार्क फॉर रिव्यू। जो आपने सिर्फ मार्क फॉर रिव्यू किया ना, वो जो मार्क फॉर रिव्यू किया ना वो अटेंड आपके नहीं शो रहे। आपको मार्क फॉर रिव्यू तो करना था, लेकिन कब, जैसे मान के चलो वो क्वेश्चन है एक नंबर, उसके चार ऑप्शन है ए बी सी और डी, आपने सबसे पहले इनमें से कोई एक को चूज किया, अगर मान लो आपने बी को सिलेक्ट किया, उसके बाद आपने मार्क फॉर रिव्यू किया तो वो काउंट हो गया, लेकिन आपने इनमें से किसी को सिलेक्ट नहीं किया और मार्क फॉर रिव्यू कर दिया सीधा तो वो काउंट नहीं हुआ है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने सिलेक्ट किया है फिर मार्क फॉर रिव्यू किया है तो वो आपका काउंट नहीं हुआ, वो काउंट हुआ है, ध्यान रखना वो काउंट हुआ है, लेकिन अब आपकी आंसर की में वो ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा कि मार्क फॉर रिव्यू था, नहीं वो काउंटिंग में नॉर्मल आएगा, उसमें ऐसे अलग से लिखा हुआ नहीं रहेगा। तो आपको कई क्वेश्चनों के बारे में ये पता नहीं होगा कि ये आपने मार्क फॉर रिव्यू किया था, क्योंकि इतना आपको याद भी नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको ये गलत फहमी है, इसका कोई इलाज नहीं है कि आप इसके लिए कुछ आपत्ति दर्ज करा दोगे। अगर आपने मार्क फॉर रिव्यू किया है, मान के चलो एक क्वेश्चन एक नंबर है, इसका आपने बी आंसर किया सिलेक्ट, और आपको लगा कि मैं इसको लास्ट में देखूंगा, साथ में सेलेक्ट एंड मार्क फॉर रिव्यू किया आपने, सेलेक्ट एंड मार्क फॉर रिव्यू किया है तो उसका आंसर काउंट हुआ है, लेकिन आंसर की में उसको ऐसे नहीं दिखाया जाएगा अलग से, वो बाकी आंसरों की तरह ही दिखाया जाएगा। लेकिन हाँ, जो सिर्फ आपने मार्क फॉर रिव्यू कर लिया, मान के चलो आपने आंसर कोई नहीं दिया, क्वेश्चन नंबर एक पढ़ा और आपने मार्क फॉर रिव्यू करके आगे चले गए, तो उसका ना तो नंबर जुड़ेगा ना ही वो किसी काउंटिंग में आएगा, ना ही उसके लिए अब आप कोई आपत्ति लगा सकते हो, उसमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं लगेगी, और यही आपके कंफ्यूजन है जो कि आप दूर कर लेना, ठीक है। अब जो आंसर की में नंबर दे रहे हैं वही शो और वही 100% नंबर होंगे, उसके बाद में जो नंबर अब आपको मिलेंगे वो मिलेंगे नॉर्मलाइजेशन के, उसके अलावा कोई भी अंक आपको अब नहीं मिलेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।